हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पार्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे के दो इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी जॉब है रेलवे में। और फिर दोस्तों, ये जो कंपेरिजन या जो भी हम तुलना करेंगे इस वीडियो में, तो इसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं जिसके बेसिस पे हम जानेंगे कि कौन सी अच्छी जॉब है इन दोनों में से। तो दोस्तों, जो मैंने पैरामीटर सेट किया जो कंपेरिजन करने के लिए, वे कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले मैंने जो पैरामीटर रखा है, ये जॉब प्रोफाइल यानी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। फिर इसके बाद दोस्तों, जो अगला है वो है पोस्टिंग, दोनों की पोस्टिंग कहाँ होती है और फिर उनकी ड्यूटी और क्या होती है, ड्यूटी शिफ्ट क्या होता है। और जो तीसरा दोस्तों, जो पैरामीटर है वो है करियर अपॉर्चुनिटी, दोनों में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। उसके बाद दोस्तों, हम जानेंगे कि अगला सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या मिलते हैं दोनों को। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कौन सी जॉब वुमेन्स के लिए अच्छी है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों, हम फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी जॉब है, कौन सी बेटर जॉब है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों की क्या जॉब प्रोफाइल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जस्ट एक कंपैरिजन कर रहा हूँ कि दोनों में से कौन सी अच्छी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बताऊँगा आपको। मैं एक अलग से वीडियो बना कर दे दूंगा जिसमें एएलपी की क्या फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेलवे में, और टेक्नीशियन की भी मैं दे दूंगा। तो आज यहाँ पर हम बस ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि दोनों की जॉब प्रोफाइल क्या है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो दोस्तों, जो एएलपी की जो जॉब प्रोफाइल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको भी पता होगा कि ट्रेन रनिंग ऑपरेशंस जॉब होते हैं, जो ट्रेन की रनिंग में जो भी प्रोसेस होते हैं ट्रेन को रन करने में। तो ये बेसिकली जो रेलवे के जो कैबिन्स होते हैं, इन्हीं में इनकी पोस्टिंग होती है। और फिर दोस्तों, जो रेलवे की जॉब जो है, एक एडवेंचरस जॉब है। आप जानते होंगे कि इसकी जॉब कितनी रिस्की जॉब है और फिर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपके पीछे आपके साथ रहती, कितने लोगों की, जितने भी पैसेंजर्स होते हैं। तो इसलिए काफ़ी एक साहसी जॉब है, काफ़ी एडवेंचरस जॉब है और काफ़ी आपको घूमने फिरने को भी मिलता है इसमें। उसके बाद दोस्तों, ये इसकी एक छोटी सी डिमेरिट ये है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम में ऐसे होता है कि आपको ऐसे ऐसे टाइम पे पोस्टिंग दे दी जाती है, जैसे कि आपको हॉलीडेज में भी, जैसे कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको ड्यूटी करना पड़ता है इसमें। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है दोस्तों, इसमें काफ़ी लोगों का रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे कहीं से भी रेलवे में सबसे मिलता है यहाँ पर रिस्पेक्टेबल जॉब, क्योंकि आप जान सकते हैं कि एक एडवेंचरस जॉब है, साहसी जॉब है। तो इसलिए दोस्तों, इसमें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है एज कम्पेयर टू अदर। तो दोस्तों, जो अगला मैं टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल की बात करूं, तो दोस्तों इसमें रेलवे से रिलेटेड जो भी, चाहे कैरेज वैगन बन रहा हो या फिर कोई मेंटेनेंस का काम हो या कोई लोको शेड में हो, तो इसमें क्या है कि इसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होता है टेक्नीशियन का, दूसरा मेंटेनेंस टाइप का जॉब होता है। फिर दोस्तों, इसकी जो ड्यूटी और की बात करूँ दोस्तों, तो ये नॉर्मल ड्यूटी है, ये भी या तो नाइट या डे दोनों में लग सकता है, बट ये नॉर्मल होता है, उतना एडवेंचरस जॉब नहीं है एलपी की तरह। फिर दोस्तों, इसमें बात करूँ तो इसमें कंफर्टेबल जॉब है, इसमें आपको हॉलीडेज भी मिलते रहते हैं प्रॉपर, सैटरडे संडे जो भी है, कहीं कहीं संडे मिलता है और कभी उतना वर्क नहीं रहता तो सैटरडे भी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ कि रिस्पेक्ट, दोस्तों इसमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी एलपी वालों को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नीशियन होते हैं, इसमें आगे कई सारे डेजिग्नेशन है, जैसे आपके ऊपर टेक्नीशियन थर्ड में आपकी स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है, तो उसके बाद दोस्तों आपके ऊपर, फिर आपके ऊपर जो आपका लेवल टू का जो टेक्नीशियन होगा, उसके बाद लेवल वन का होगा, उसके बाद जेई होगा, उसके बाद सेक्शन इंजीनियर होगा, तो इसमें काफ़ी लोगों के अंडर में काम करना होता है, तो उतनी मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितना एएलपी को मिलती है, क्योंकि एक एएलपी इंडिविजुअल जॉब है, इसमें कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट होता है आपके पास टेक्नीशियन में। तो ये देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसके बाद दोस्तों, जो अगली जो चीज़ है पोस्टिंग के बारे में, तो जैसे मैंने पहले ही जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया, तो उससे आपको एक गेस मिल गया होगा कि कैसी जॉब है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलपी की जो पोस्टिंग होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन में ही मिलेगी और रनिंग ऑपरेशन की ड्यूटी है, और ये जो इनकी जो वर्क शिफ्ट है दोस्तों, डे शिफ्ट के साथ साथ नाइट शिफ्ट है, बट ये क्या है कि इनकी जो ड्यूटी है फ्लक्चुएटिंग है ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको क्या होता है कि दो दो दिन तीन तीन तक आप ड्यूटी पे रहते हैं, बीच में मतलब रिलैक्सेशन मिलता है आपको सोने के लिए, बट मतलब एक बार अपने क्वार्टर से निकले तो दो तीन दिन तक ड्यूटी करनी होती, चार चार दिन, हफ्ते दिन, उसके बाद फिर आपको छुट्टी मिल जाती है एक
रेगुलर इंटरवल पे। लेकिन दोस्तों इसमें टेक्नीशियन में मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन में क्या है कि दोस्तों इसका जो वर्क है इसमें इंडोर जॉब के साथ साथ आउटडोर जॉब भी है। जैसे कि सिग्नल में आप देखते हैं कि बहुत सारे सिग्नल्स वगैरह प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, तो वहाँ पर भी ये इंडोर टाइप की जॉब है। और या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मैं बात करूँ तो भी इंडोर जॉब है। बट बहुत सारे ऐसे वर्क ऐसे भी होते हैं जो आउटडोर में भी करने होते हैं, तो ये टेक्नीशियन की जो जॉब है वो इंडोर के साथ साथ आउटडोर पे भी है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ इसमें वर्क शिफ्ट की, तो इसमें भी डे शिफ्ट के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी होती है। बट क्या है इसमें दोस्तों स्टेबल होती है, एक फिक्स आवर की जॉब होती है 8 घंटे की। तो इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसमें जॉब दोनों की शिफ्ट डे नाइट दोनों है। बट इसमें क्या है टेक्नीशियन में स्टेबल है बट ALP में फ्लक्चुएटिंग है। तो ये रहा दोस्तों पोस्टिंग एंड ड्यूटी शिफ्ट की। अगला मैं बात करूँ दोस्तों कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी में दोस्तों आप अगर ALP पे स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग होती है तो ALP के बाद आपको लोको पायलट बना दिया जाता है, असिस्टेंट के बाद लोको पायलट। लोको पायलट के बाद दोस्तों जो है इसके बाद आपके और भी प्रमोशन होते रहते हैं, जैसे कि पावर कंट्रोलर बन गए, कुछ लोग क्रू कंट्रोलर भी बन जाते हैं। फिर इसमें जो लोको पायलट होते हैं उनका एक हेड होता है लोको सुपरवाइजर। तो दोस्तों इस तरह का इनका कुछ प्रमोशन है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो ALP या ALP बनते हैं तो इसमें ट्रेन में जो कैटेगरीज होती है मालगाड़ी या फिर पैसेंजर ट्रेन, फिर सुपर फास्ट या शताब्दी, तो ऐसे भी इनमें चेंजेस होते रहते हैं समय के साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम एग्जाम और एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पैरेलली इसमें ये भी चलता रहता है। अब मैं बात करूँ दोस्तों टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में जब शुरू की अपॉइंटमेंट होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पे होती है, उसके बाद जो प्रमोट होकर टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन जाते हैं और उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन के बाद जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है, और जूनियर इंजीनियर के बाद जो फाइनल है दोस्तों वो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो दोस्तों ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। तो इसके बाद दोस्तों अब बात करूँ कि दोनों में सैलरी वगैरह और वर्क प्रेशर वगैरह क्या है और कौन सी जॉब वुमेन के लिए आइडल है। तो दोस्तों जो ALP की मैं बात करूँ तो ALP में जो बेसिक सैलरी है दोनों बेसिक सैलरी दोस्तों जो ALP और टेक्नीशियन है दोनों में सेम है। बट दोस्तों क्या होता है कि ALP में क्या है कि आपको रनिंग अलाउंसेस मिलते रहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते रहते हैं उसमें ट्रेन में, और फिर कुछ उसमें टारगेट भी होते हैं दोस्तों कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद इतने आपको उसका अलग से मिलता है। तो दोस्तों इसलिए इसमें काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं। और टेक्नीशियन में दोस्तों बात करूं तो इसमें अलाउंसेस बहुत कम मिलते हैं। इसमें आपको अलाउंसेस तभी मिलते हैं अगर आपकी जॉब कहीं आउटडोर में पोस्टिंग होती है, जैसे कि आपको कुछ दूर पे जाकर आपको कोई भी सिग्नल का इंस्टॉलेशन या फिर मेंटेनेंस करना है, या फिर कोई और ऐसी भी जॉब है जिसमें थोड़ा आपको थोड़ा बाहर जाना हो, आउटडोर में जाना है, तभी मिलेगा। मतलब इसमें परमानेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो ALP में है वो फिक्स है कि आपको अलाउंसेस मिलना है, मिलना ही है। तो दोस्तों इसमें अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं मैं दोनों में कि कितने अलाउंसेस मिल जाती हैं, तो दोस्तों ALP की जो सैलरी होती है वो 40-50% हायर होती है टेक्नीशियन से। मान के चलिए अगर 30,000 अगर 30,000 टेक्नीशियन में मिलती है तो 45,000 मिनिमम ट्रेनिंग टाइम बाद में स्टार्टिंग में ALP में मिल जाएगी। तो ALP में इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, 1.5 गुनी सैलरी है इसमें। उसके बाद दोस्तों अब वर्क प्रेशर की बात करूँ तो अभी तक आपको अनुमान लग गया होगा कि इसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है ALP में, क्योंकि आप ट्रेन को ये नहीं है कि कभी भी कहीं पर रोक दिए, तो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर एटलीस्ट को ले जाना ही जाना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पर समर विंटर और फॉगिंग, तो इन सारी चीज़ों में फिर हॉलीडे की वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी वर्क प्रेशर होता है। फिर दोस्तों बात करूँ टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन वाली जॉब में दोस्तों उतनी वर्क प्रेशर नहीं है, लेस है। इसमें वर्क प्रेशर तभी आता है जब किसी आउटडोर में आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है या फिर कहीं आउटडोर में जाना हो किसी काम के लिए, तभी वर्क प्रेशर है उतना थोड़ा एज कम्पेयर टू ALP कम है। अब दोस्तों बात करूँ कि दोनों कौन सी जॉब किसके लिए आइडल है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ALP वाली जो जॉब है वुमेन्स के लिए आइडल नहीं है, उतनी उतनी क्या है ही नहीं दोस्तों, मजबूरी में बहुत लोग करते हैं अब इसे। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन की जॉब जो है ये आइडल जॉब फॉर वुमेन्स है, खास करके दोस्तों जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स होते हैं तो इसमें वुमेन्स के लिए सबसे सुपर बेस्ट जॉब है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स थी जिसके बेसिस पर मैंने डिस्कशन किया ALP के बारे में कि जॉब प्रोफाइल जो थी, पोस्टिंग क्या थी, कैरियर अपॉर्चुनिटी का क्या रहता है, इनका सैलरी अलाउंसेस क्या मिलते हैं,
और कौन सी जॉब क्या अच्छी है। तो दोस्तों ये जो जॉब कौन सी अच्छी है, तो दोस्तों सबकी सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। किसी को सैलरी पसंद है, किसी को कंफर्ट पसंद है, कोई एडवेंचरस जॉब में बिलीव करता है, कोई रूटीन जॉब में बिलीव करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने इसको डिस्कस कर दिया। जो फाइनल दोस्तों कंक्लूजन है, तो ये क्या है दोस्तों, आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब बेटर है। तो आप लोग इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन के हिसाब से कौन सी जॉब अच्छी है, और क्या आपने कंसिडर, और बताइएगा आप कौन सी जॉब को अच्छी लगी। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी रेलवे एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट देता हूँ, जो भी वीडियोज इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आपको मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच।